गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की लेसन 5 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे लेसन 6। इसके लेसन का जो नेम है वो है द आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन शुंग कुषाण एंड गुप्त पीरियड। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा है लेसन नेम, तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि कैसे गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल एंड कुषाण काल टाइम पीरियड में किस तरह से पेंटिंग्स बनी। ये जो गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल एंड मौर्य काल है, ये क्या है? जो राजाओं के टाइम पीरियड के थे वो, जैसे जब शुंग काल, शुंग के जो राजा थे उनका जब टाइम पीरियड चला, उस टाइम पीरियड में कौन सी पेंटिंग बनाई गई, कौन कौन से स्तंभ बनाए गए, स्कल्पचर्स बनाए गए उनके बारे में, मौर्य काल में कौन से स्तंभ स्कल्पचर बनाए गए हैं उनके बारे में बात की गई है, कुषाण काल में, ठीक है। तो इसी तरह से जो चारों टाइम पीरियड हैं, इन टाइम पीरियड में किस तरह की मूर्तियां और स्तंभ बनाए गए हैं, स्तूप बनाए गए हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द फॉर्म ऑफ द आर्ट रीच एट इट एपेक्स। अगर बात करें सबसे पहले मौर्य टाइम पीरियड की, तो मौर्य टाइम पीरियड में जो कला थी वो क्या है, ऊंचाइयों पर छू रही थी। मतलब कला मौर्य टाइम पीरियड पर ऊंचाइयां छू रही थी, बहुत ही हाई क्वालिटी की एक तरह से बोले, या जो आर्ट की डिमांड है वो कुछ ज्यादा ही चल रही थी। मोस्ट ऑफ द डिपिक्शंस वर मेड ऑन द बाल ऑफ द रॉक कट के। यहां पर क्या किया गया, जो गुफाओं की दीवारें थी उनको काट कर, कार्विंग करके उसमें मूर्तियां बनाई है। जैसे हमने अगर बात करें बाघ, अजंता, एलोरा, भीमबेटका की गुफाओं की, तो वहां पर क्या हुआ था, पेंटिंग्स बनाई गई। जैसे गुफा की जो दीवार है उस पर क्या कर दिया, एक नुकीली चीज से क्या कर दी गई, वहां पर लाइन बेस में पेंटिंग्स क्रिएट की गई। बट मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल में जो गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई है, वो सिर्फ पेंटिंग्स कैसी बनाई गई है, उनको उकेर कर बनाया गया है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ ये स्कल्पचर्स है, मूर्तियां बनाई गई है इस तरह से। उनमें लाइन, किसी नुकीली चीज से लाइन नहीं डाली गई है, उनको खोद कर उकेर कर बनाया गया है। दैट वर इनग्रेप्ड और पेंटेड द डिफरेंट कलर्स, उनको क्या किया है, उत्कीर्ण किया गया है, उकेरा गया है, और इसके बाद उनमें कलर्स किए गए हैं। वी गॉट सम मास्टर पीसेस ऑफ आर्ट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड एज चौरी, बियरे और यक्षिणी। तो मौर्य टाइम पीरियड में हमें काफी सारी अच्छी स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक मास्टरपीस कौन सी है, चौरी बियरे, जिसको क्या बोलते हैं, यक्षिणी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में या लास्ट चैप्टर जो निकले में मैंने बताया था आपको कि यक्ष और यक्षिणियां क्या होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यक्ष और यक्षिणियां एक तरह से जो भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको ही यक्ष और यक्षिणियां बोलते हैं। यक्ष होते हैं मेल एंड यक्षिणियां होती हैं फीमेल। तो यहां पर जो मास्टरपीस है वो क्या है, यक्षिणी का मास्टरपीस, जो किधर पर है, ऑफ दिदरगंज, पटना, बिहार में, एंड अ लॉयन कैपिटल फाउंड इन सारनाथ। एक लॉयन जो कहां पर है, सारनाथ की जो कैपिटल है कौन सी है, लॉयन कैपिटल है जो कहां पर पाई गई है, सारनाथ में पाई गई है, उत्तर प्रदेश। बोथ आर वेल पॉलिश्ड एंड फाइनेस्ट स्कल्पचर ऑफ दिस पीरियड। तो यहां पर किस तरह की पाए गए हैं, सारनाथ में और उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह ही जो मौर्य टाइम पीरियड में स्कल्पचर्स बनाए गए वो पाए गए। जब मौर्य टाइम पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पीरियड में सारनाथ पर और उत्तर प्रदेश में काफी सारे स्कल्पचर्स यहां पर पाए गए, जो कैसे हैं, बहुत ही फिनिशिंग में बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर उनमें खुरदुरापन हो या फिर फाइनेस्ट वर्क नहीं दिखाई गया, बहुत ही क्लियरली तरीके से दिखाए गए हैं। सम ऑफ द स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड विच बिलोंग द शुंग डायनेस्टी। कुछ और भी स्कल्पचर हैं जो शुंग काल में भी बनाए गए हैं, बट दोज आर नॉट सो पॉपुलर। बट ये मौर्य काल के टाइम पीरियड की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं है। कौन, जो शुंग टाइम पीरियड में स्कल्पचर बनाए गए हैं वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है अकॉर्डिंग टू मौर्य काल के। तो ये जो एक पॉइंट है, क्या शुंग टाइम पीरियड में स्कल्पचर ज्यादा अच्छे नहीं बने हैं, सबसे अच्छे किस टाइम पीरियड में बने हैं, मौर्य काल में। तो ये एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो आते हैं आपके उसमें आ सकते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए।
The most popular form of art we get from Kushan period and later is Gupta period. So सबसे पहले हमें जो sculptures की सबसे अच्छी उमदा मूर्तियां देखने को मिलती हैं, finest जो work देखने को मिलता है वो सबसे पहले में कहां मिलता है? कुशान काल में मिलता है. एंड इसके बाद आफ्टर दैट गुप्त काल में. इन कुशान डायनेस्टी अगर हम बात करें कुशान काल की, टू स्कूल ऑफ आर्ट हैड बीन डेवलप्ड. यहां पर दो स्कूल क्या हुए हैं, बनाए गए हैं किसके, आर्ट के. वन इन गंधार नियर पेशावर यानी पुरुषपुर, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुशान, जो कहां पर बनाया गया है, गंधार में. पेशावर जो राज्य उसके पास बनाया गया, जो किसकी कैपिटल है, कुशान की कैपिटल है. दैट इज कॉल्ड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट. इसको किस नाम से जानते हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से. ये भी आपका एमसीक्यूएस क्वेश्चन में हो गया है. इन दिस स्कूल द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिसत्त, बुद्धिसत्त होते हैं जो बुद्ध के शिष्य होते हैं, जो उनकी बुद्ध की कहानियों को, उपदेशों को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं जगह से दूसरी जगह, उनको बोलते हैं बोधिसत्त. तो यहां पर किसके हैं, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, वहां पर कौन कौन से स्कल्पचर पाए गए हैं, बुद्ध की एंड बुद्ध की जो शिष्य हैं उनके. वर मेड ऑन ग्रेनाइट इन रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट. ये ग्रेनाइट पत्थर पर बनाए गए और किस स्टाइल में बनाए गए हैं, रोमन स्टाइल में. रोमन स्टाइल यानी कि आपकी यूरोपियन पैटर्न्स में बने हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन थीम्स, किस थीम पर बने हैं, इंडियन थीम्स पर बने हैं. कहने का मतलब यह है कि जो उनके परिधान बनाए गए हैं उनमें जो फाइनेस्ट वर्क दिखाया गया है वो आपका कैसा है, रोमन शैली का है. बट उन्होंने जो टॉपिक लिया है, थीम लिया है, वो कौन सा है, इंडियन थीम है. कैसे, अब उन्होंने बुद्ध की जो पेंटिंग स्कल्पचर बनाया है, बुद्ध क्या है, भारत के रिलेटेड, भारत के रहने वाले हैं, तो थीम क्या हो गई, इंडियन. एंड जो उन्होंने एलिमेंट्स यूज किए हैं वो हो गए आपके यूरोपियन यानी कि रोमन शैली. बट सराउंडिंग मथुरा, अगर हम बात करें मथुरा के चारों तरफ, द सेकेंड कैपिटल सिटी ऑफ कुशान, जो कुशान की सेकेंड कैपिटल रही है, द स्कल्पचर्स वर इनग्रेव्ड एंड इजली अवेलेबल रेड स्टोन. तो यहां पर रेड स्टोन पर जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसमें मूर्तियां उकेरी गई हैं. द हिंदू दैतीज, जो हिंदू दैतीज थे उनके मैंने क्या किया, जैन तीर्थाटन एंड बुद्ध स्कल्पचर्स वर मेड हियर द ग्रेट नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकल ट्रेडिशन. बात करें मथुरा में, मथुरा में जो स्कल्पचर बनाएंगे वो किस पर बनाएगा, जो हिंदू दैतीज थे उन पर. जैन जो तीर्थाटन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे वो लोग, एंड बुद्ध के. तो तीन कौन से हो गए, हिंदू दैतीज, जैन तीर्थाकर एंड बुद्ध. इन तीनों के स्कल्पचर्स मथुरा में बनाए गए हैं. किस पर बनाए गए, रेड बलुआदार पत्थर पर बनाए गए हैं. काफी ज्यादा मात्रा में मूर्तियां पाई गई हैं. इट इज नोन एज मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट. तो इसको किस नेम से जाना जाता है, मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट के नाम से और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के नाम से. तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा फिनिश हो गया. अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो एक एक नंबर की पॉइंट्स हैं उनके बारे में. जैसे कि मॉडर्न टाइम पीरियड में काफी अच्छी पेंटिंग स्कल्पचर्स मूर्तियां बनी है, इतनी ज्यादा शुंग काल में नहीं बनी है. एंड कुशान काल में सबसे पहले मूर्तियां अच्छी बनी थी, बाद में गुप्त काल में बनी. और अगर सीरीज वाइज इनको रखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर मौर्य, सेकेंड कुशान, थर्ड गुप्त एंड लास्ट फोर्थ शुंग काल. तो ये हो गया नंबर वाइज अगर रखा जाए, कैटेगरी वाइज की सबसे अच्छी मूर्तियां किस टाइम पीरियड में बनी है. तो सबसे पहले मौर्य काल में, फिर कुशान में, फिर गुप्त काल में एंड लास्ट शुंग काल में. ठीक है. और यहां पर दो स्कूल्स आर्ट के बनाए गए हैं. एक कौन कौन सा, एक तो आपका मथुरा बनाया, मथुरा से पहले कौन सा बनाया, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जहां पर रोमन स्टाइल में बुद्ध की और बोधिसत्त्व की मूर्तियां बनाई गई है. कहां पर, गांधार में. स्टाइल उन्होंने कैसा स्टाइल लिया है, रोमन स्टाइल, बट थीम उन्होंने इंडियन थीम पर बनाई है. सेकेंड जो मथुरा में है स्कूल आर्ट का, वहां पर कौन सी मूर्तियां बनाई गई हैं, हिंदू दैतीज, जैन तीर्थाकर एंड बुद्ध स्कल्पचर्स.
ये तीन तरह की मूर्तियां मथुरा स्कूल में बनाई गई है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के नाम से। अब इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि गंधार में जो स्टाइल बना है वो रोमन स्टाइल में बना है और मथुरा में जो मूर्तियां बनी है वो इंडियन स्टाइल में बनी है। इंडियन थीम के साथ साथ इंडियन स्टाइल भी लिया गया है, बट गंधार में रोमन स्टाइल लेकर इंडियन थीम पर मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इस तरह से आज आपका जो इंट्रोडक्शन है द आर्ट ड्यूरिंग मौर्य शुंग कुषाण एंड गुप्त काल पीरियड्स, ये पूरा फिनिश हो गया है। इसमें ये देखिए मूर्तियां इस तरह से बनाई गई, मैं आपको दिखाती हूं, ये देख रही हैं आपको मूर्तियां, ये इस तरह से मूर्तियां यहां पर बनाई गई है। सोचो कैसे गुफाओं को पत्थर पर मूर्तियां उकेर कर बनाई गई है। एक पॉइंट और है, मथुरा में किस पर बनाई गई है मूर्तियां, जो लाल आपका बलुआ पत्थर है उस पर मूर्तियां बनाई गई हैं, रेड सैंडस्टोन पर। आज के लिए इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो मूर्तियां बनी है उनके बारे में।